दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। आपको बता दें, कोर्ट में केजरीवाल और ईडी की तरफ से क्या डिमांड की गई और अलग अलग बातों को लेकर क्या क्या तर्क दिए गए हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया है कि हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने हमें बताया कि विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते हैं, आतिशी को करते हैं। ईडी ने आगे कोर्ट में कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, यह हमारा अधिकार है। पीएमएलए कोर्ट में क्या तर्क दिए गए, अब ये भी सुनिए। अदालत की तरफ से कहा गया, क्या केजरीवाल सलाखों के पीछे से ऑर्डर जारी कर रहे हैं? मेहरा की तरफ से कहा गया, अब क्या उल्लंघन किया है? हर रोज यह आदमी एक नई याचिका दाखिल कर देता है। जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि हम किसी को याचिका दाखिल करने से नहीं रोक सकते हैं। याचिकाकर्ता से अदालत ने कहा कि अगर कुछ हो रहा है तो इसे ट्रायल जज के ध्यान में लेकर आइए। ईडी ट्रायल जज को ये बताएगी और जज इस मामले को देखेंगे। अदालत ने आगे कहा कि आप सही कह रहे हैं, याचिकाकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला लेगी। हम ईडी को निर्देश देते हैं कि वो संबंधित जज के सामने एक स्टेटस रिपोर्ट पेश करेंगे, वो इस पर फैसला करेंगे। हम याचिकाकर्ता की अपील पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। बता दें, सुरजीत सिंह यादव ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई कि केजरीवाल अभी भी जेल से पानी और सीवेज से जुड़े मामलों में आदेश जारी कर रहे हैं। यादव ने कहा कि कोर्ट ईडी को निर्देश दे कि केजरीवाल को जेल में टाइपिस्ट कंप्यूटर या प्रिंटर ना दें। इस बात की भी जांच की जाए कि वो आदेश कैसे जारी कर रहे हैं और ये ऑर्डर मंत्रियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। वहीं केजरीवाल ने तिहाड़ के फैसले के बाद कोर्ट से 3 डिमांड की हैं। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें 3 किताबें दी जाएं, जो हैं गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।